वहीं हरियाणा के अनाज मंडियों में व्यापारी दूसरे राज्यों से कम दामों पर धान लाकर ऊंचे दामों पर लाकर बेचने के मामले सामने आ रहे थे और इसी सूचना के आधार पर आज गोहाना में पानीपत रोड पर एक खेत से सीएम फ्लाइंग रोहतक की टीम और गोहाना मार्केट कमेटी सचिव ने संयुक्त रूप से एक ऐसे धान से भरे ट्रक को पकड़ा जो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे। ये बासमती धान का ट्रक मध्य प्रदेश से लाया गया था जिसका भाव हरियाणा में 3800 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसमें मार्केट फीस की टैक्स चोरी का मामले के तहत 65000 रुपए वसूले गए। व्यापारी सरकार को दो तरह से चूना लगा रहे हैं और तो मार्केट फीस की चोरी और उच्च दाम पर बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डरों पर दूसरे राज्य से आ रहे धान को रोका गया था लेकिन अधिकारी की मिलीभगत और चोरी छिपे व्यापारी काम कर रहे हैं। रोड के ऊपर जो हमारी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है उसने, इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी जितेंद्र शोरान जी और नायब तहसीलदार प्रमोद जी, उन्होंने एक जो धान उतर रहा था जिसकी जो वैरायटी 17-18 थी जिसकी क्वांटिटी लगभग 210 क्विंटल जो क्वांटिटी थी उसको पकड़ा है।